सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज इन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टीन टाइटंस गो के एपिसोड 10 के बारे में। इसके पहले वाले एपिसोड आपने अगर नहीं देखे तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, जाके देख लो फिर इस वीडियो का मजा उठाओ। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत में ये टीन टाइटंस के मेंबर सोफे पे बैठे हुए हैं और इस एपिसोड का नाम है मीटबॉल पार्टी, जहां पर साइबॉग आता है और मीटबॉल्स की पूरी बारिश कर देता है। अलग अलग जरिए से साइबॉग पूरी बारिश करते हुए नजर आता है मीटबॉल्स की, जहां पर सब लोग तो खाते हैं लेकिन रेवन को वो पसंद नहीं आता। इसी कारण से सब लोग पीछे पड़ गए हैं रेवन के मीटबॉल्स खाने के लिए। जहां पर वो सोती है तब भी उसके बेड के ऊपर चले जाते हैं, वहीं से भी वो भागने की कोशिश करती है तो वो उसके पीछे चले जाते हैं। जहां भी वो जाती है वहां पे ये लोग फॉलो करते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार रेवन कह देती है कि ठीक है लाओ दो, मैं मीटबॉल खाती हूँ। जहां साइबॉग एक स्पेशल मीटबॉल उसे खिलाता है, जिस स्पेशल मीटबॉल में साइबॉग के कुछ टुकड़े होते हैं यानी कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से क्रैक हो जाता है रेवन के दांत के अंदर, जिस कारण से नेक्स्ट डे रेवन किसी से भी बात नहीं कर रही है। तो फिर वहाँ पर बीच बॉय भी उसके नखरे और उसकी मौज लेते हुए नजर आता है, जहाँ पर उसका केप भी वो पहन लेता है। अब ये सारे लोग रेवन के मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। जब भी रेवन अपना मुंह खोलेगी तो उस दांत के अंदर से एक्चुअल में एक मॉन्स्टर निकलेगा, जो कि इन सारे लोगों को मारते हुए दिखता है। इसी वजह से रेवन ने अब तक उसका मुंह नहीं खोला था। तो अब ये ब्रश करने के लिए मुंह खोलती है तब बीच बॉय मार खाता है, ये कुछ खाने के लिए मुंह खोलती है तब बीच बॉय मार खाता है, कुछ भी चीजें करती है तो बीच बॉय मार खाते हुए हमें नजर आ रहा है। तभी वहाँ रॉबिन कहता है कि हमें आखिरकार अभी डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये चले जाते हैं सारे लोग डेंटिस्ट के पास, पर इसके ही पहले एक चीज ऐसी हो जाती है कि रेवन खा लेती है बीच बॉय को। अब ये डेंटिस्ट के यहाँ पे बैठे हुए है, अंदर हम रेवन को देख सकते हैं, जो कि रेवन डॉक्टर के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आती है, जो और कोई नहीं उसके दांत के अंदर का मॉन्स्टर जो है, जिसने अभी बीस्ट बॉय को निकला था कुछ ही टाइम पहले, वही हमें करामती करते हुए नजर आता है। अब ये लोग घर के अंदर बैठे हुए है, जहाँ पर रॉबिन को भी वो निगल लेती है, फिर धीरे धीरे करके वो स्टार फायर को भी निगल जाती है। तभी वहाँ पर सिर्फ बचता है साइबॉग, जिसको एक्चुअल में लिख के दे देती है रेवन सारी चीज़ें कि भाई मैं तुम लोगों से नफरत नहीं करती लेकिन मैं मुझे मीटबॉल खाना पसंद नहीं है, ऊपर से मेरा दांत टूट गया है जिसके अंदर मॉन्स्टर चले गया है, तो अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा साइबॉग। जहाँ पर साइबॉग को भी वो निगल लेती है। फिर अंदर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारे लोग उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, जो कि लड़ क्या रहे हैं, सिर्फ मार खाते हुए भी हमें नजर आते हैं। ये देखने के बाद साइबॉग अपने जो मीटबॉल्स की टेक्निक है यानी मीटबॉल्स जो फेंकने की टेक्निक है उसके पास, वही मीटबॉल्स सारे फेंकता है और उस मॉन्स्टर को उस दांत के अंदर दबा देता है। और जैसे ही मॉन्स्टर वो अंदर चले जाता है, इधर रेवन उल्टी कर देती है और ये सारे लोग रेवन के दांत से बाहर आ जाते हैं। जहाँ पर अब साइबॉग माफी मांगते हुए नजर आता है रेवन की, लेकिन वो कभी नहीं सुधरता। फिर से ये लोग मीटबॉल का पार्टी करना चालू कर देते हैं और यहीं पे इस एपिसोड का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2, सुबह हो चुकी है, यहाँ पर रॉबिन अपने स्टिक के साथ खेलते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर वो स्टिक से बातें भी करते हुए नजर आता है। जहाँ रॉबिन इन लोगों को समझाता है कि सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड सारी चीजें डाउन चली गई है, लेकिन जो हमारी मस्ती है वो दुगनी बढ़ चुकी है, जिसके वजह से हमें ये मस्ती कम करनी चाहिए। जहाँ पे वो स्टिक से फिर बात करता है तो स्टिक उसे कहती है कि यहाँ से हम लोग बर्गर खाने चलते हैं। तभी स्टारफायर कहती है कि हमारे ग्रह पे भी लोग बातें करते थे लकड़ियों से, लेकिन उनके साथ ऐसा होता था कि उन्हें मार दिया जाता था। तो सारे लोग उसे समझाते हैं कि भाई ये पागलपन है, स्टिक तो तुम्हारी बात नहीं कर सकती तो तुम उसके साथ कैसे बात कर सकते हो। जहाँ रॉबिन थोड़ा सा गुस्सा होकर सारे लोगों को मारने लगता है उसी स्टिक की बदौलत। फिर हम नेक्स्ट डे नाश्ते के टेबल पे देख रहे हैं, ये लोग सारे बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आ जाता है बीस्ट बॉय, जो कि कहता है कि भाई एक्चुअल में टॉयलेट क्लीन करने की ज़रूरत है। तो सारे लोग कहते हैं कि भाई स्टिक है ना रॉबिन की तो उससे ही कर लो, तो वो जाता है उस स्टिक से मदद से एक्चुअल में बाथरूम साफ करता है। फिर उसके बाद एक एक लोग उसकी ये स्टिक यूज करते हुए नजर आते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें करते हुए, जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो रॉबिन की स्टिक वो ले लेते हैं। और फिर इसी के बीच में इन लोगों के बीच में लड़त हो जाती है कि स्टिक मैं लूंगा, लेकिन किसी को भी स्टिक नहीं चाहिए। यहाँ पर सीधा बीच बॉय उठाता है, उसके चार टुकड़े कर देता है कि भाई लो, सारे लोगों को स्टिक्स मिल गई। यहाँ पर उनको पता चल जाता है कि भाई हमने तो रॉबिन की अभी स्टिक तोड़ दी, तो रॉबिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा तोड़ने वाला है। ये लोग बात कर रही होते हैं कि भाई स्टिक को कैसे जोड़ा जाए, मैजिक की मदद से जोड़ा जाए या नहीं। तभी आ जाता है वहाँ पर रॉबिन, जो कि ना चाहते हुए भी स्टार फायर के मुंह से निकल जाता है कि हमने तुम्हारी स्टिक तोड़ दी। जहाँ पर रॉबिन गुस्सा हो जाता है, फिर भी बीस्ट बॉय उसे कैसे तो ठीक ठाक करके उसके हाथ में वो स्टिक दे देता है।
फिर रॉबिन लड़ने जाता है कुछ मॉन्स्टर से, जहाँ पर वो लड़ता है तो वही मार खाता है क्योंकि स्टिक उसकी कतई साथ नहीं देती, क्योंकि वो स्टिक एक्चुअल में स्टिक की हुई है। इसी कारण से रॉबिन अभी रोने लग जाता है, कभी भी उठते सोते जागते हर टाइम पे वो रोते हुए नजर आता है और उसकी स्टिक की याद उसे सताते हुए हमें दिख रही है। फिर रेवन उसे कहती है कि एक ही चांस है तुम्हारी अच्छी स्टिक लाने का, तुम जाओ एक मैजिकल दुनिया में जहाँ पर मैजिकल पेड़ से तुम्हें वो स्टिक मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो रेवन वहाँ पर रॉबिन को भेज देती है उस जगह के अंदर, जहाँ पर रॉबिन वो जितने भी हडल है वो पार कर लेता है, उस पंछी को भी देख लेता है और उस पेड़ के सामने पहुँच जाता है। लेकिन रास्ते में उसे एक स्टिक मिलती है जिस स्टिक के सहारे ही वो सारी चीज़ें कर पाता है। तभी पेड़ बताता है कि तुम्हारे पास में ही एक्चुअल में वो स्टिक है, मेरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्टिक दूंगा भी नहीं क्योंकि तुम्हारे पास वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जहां पर रॉबिन नहीं सुनता, उस पेड़ को काट लेता है और उसकी एक डैनी लेके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस डैनी के भी अंदर जादू होता है तो वो पेड़ भी, डैनी वाली जो पेड़ है वो रॉबिन से बात करते हुए हमें नज़र आता है। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो वहां के कुछ लोगों को मार पीटते हैं और वापस आ जाते हैं। इधर वापस आने के बाद रेवन उसकी स्टिक उसे वापस दे देती है, तो जो अभी दोस्ती हुई थी ये लकड़ी के साथ, वो लकड़ी वो फेंक देता है। अब उस लकड़ी का क्या होगा, तो उस लकड़ी को एक्चुअल में ये सारे लोग मिल के एक तरह से इकट्ठा करके अपने ही कामों में व्यस्त कर लेंगे। तो इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों आपकी क्या बात है, आपकी क्या चीज़ें हैं इस वीडियो को लेके, इस एपिसोड को लेके, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना मूवीजिन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीजिन। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ सब लोग मुझे देखो, मैं रेवन हूँ। बहुत ज्यादा अंधेरा, हड्डियाँ पसलियाँ।